जब आपको कुछ करने की इच्छा हो और जब आपको कुछ करने की इच्छा ना हो, तो इस तरीके सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? गाइज, बहुत ही इजी है, आप एक बार में ही समझ जाएंगे। बस आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। सो हे गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जयनगर मैडम। दिस इज जयनगर मैडम एंड यू आर वाचिंग ऑन जयनगर मैडम। इन टुडेज वीडियो वी विल लर्न एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर एंड टुडे इज डे 43 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर। जब बोलना हो, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, इच्छा को जाहिर कर रहे हैं, जब कुछ करने की इच्छा हो। ओके, मैं बाजार जाना चाहूंगा, मैं बर्तन धोना नहीं चाहूंगा, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहूंगा, मैं आपसे शादी करना चाहूंगा। तो गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? तो बहुत सिंपल है, बहुत ही इजी है। जब आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज करना होगा वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब होता है करना चाहूंगा, करना चाहूंगी, करना चाहेंगे। उसके बाद यहां पे वुडंट लाइक टू है, मतलब जब आपकी इच्छा कुछ करने की ना हो तो आप बोलेंगे वुडंट लाइक टू, करना नहीं चाहूंगा। तो आइए इसको स्ट्रक्चर में रख के देखते हैं, क्योंकि मेन तो होता है स्ट्रक्चर, विदाउट स्ट्रक्चर का आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गाइस सब्जेक्ट को देना है, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक टू प्लस वी वन, यानी कि वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप कुछ करना चाहेंगे, कुछ करने की इच्छा होगी, तो आप वुड लाइक टू का यूज करेंगे। यदि आपको कुछ करना नहीं चाहते हैं, यदि आप कुछ करना नहीं चाहेंगे, ओके, तो आप यहां पे वुडंट लाइक टू का यूज करेंगे। जब इच्छा ना होगा तो क्या चीज का यूज करेंगे? वुडंट लाइक टू, सब्जेक्ट प्लस वुडंट लाइक टू प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप कि गाइस आज का जो ये स्ट्रक्चर है आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। जब आपको कुछ करने की इच्छा हो तो वुड लाइक टू का यूज करेंगे, जब कुछ करने की इच्छा ना होगी तो आप क्या करेंगे? वुडंट लाइक टू का यूज करेंगे। ओके, तो पहला सेंटेंस को देखते हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है, क्या है? मैं, आई। उसके बाद क्या है इसमें? कुछ बताना चाहूंगी, तो इसमें कुछ करने की इच्छा है तो वुड लाइक टू का यूज होगा, आई वुड लाइक टू। उसके बाद क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? बताना, टेल। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? आपको कुछ। ओके, यू
कुछ इंग्लिश समथिंग समथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग गाइज यहां पे बताना के लिए टेल का यूज करेंगे। यदि आप बोलना चाहते हैं मैं आपको कुछ कहना चाहूंगी तो भी आप टेल का ही यूज करेंगे। और गाइज मैं आप सभी को प्रैक्टिस भी करवा रही हूं, आपको मेरे साथ साथ बने रहना है क्योंकि मैं एक सेंटेंस को दो बार बता रही हूं। आपको फर्स्ट टाइम आपको लिसन करना है एंड सेकेंड टाइम में आपको मेरे साथ साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी इंग्लिश भी उतनी ही जल्दी इंप्रूव भी होगा। नेक्स्ट वन, मैं बाजार जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू क्या है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म जाना गो ऑब्जेक्ट बाजार है टू द मार्केट। आई वुड लाइक टू गो टू द मार्केट आई वुड लाइक टू गो टू द मार्केट। मैं आप सभी से कुछ पूछना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू आई वुड लाइक टू उसके बाद क्या है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म पूछना आस्क देन उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है आप सभी से यू ऑल समथिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल समथिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू ऑल समथिंग। गाइज यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ऐसे ही मेरे साथ साथ बने रहिए। और गाइज इन सारे सेंटेंस में आप एक चीज जरूर नोटिस किए होंगे, एक चीज कमन आया हुआ है, पता है ना ये चीज चाहूंगा चाहूंगी क्या है सारे सेंटेंस में कॉमन है। तो इसी की इंग्लिश तो होती है वुड लाइक टू। यदि नहीं चाहूंगा तो आप क्या करेंगे वुडंट लाइक टू का यूज करेंगे, है कि नहीं। वैसे भी आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट है। मैं श्याम सर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा आई वुड लाइक टू। चाहूंगा के लिए क्या यूज करेंगे वुड लाइक टू, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म क्या है बुलाना तो क्या हो जाएगा कॉल, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है श्याम सर को स्टेज पर तो क्या हो जाएगा श्याम सर ऑन द स्टेज। आई वुड लाइक टू कॉल श्याम सर ऑन द स्टेज आई वुड लाइक टू कॉल श्याम सर ऑन द स्टेज। मैं यहां से जाना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू जाना गो ऑब्जेक्ट क्या है यहां से तो क्या हो जाएगा फ्रॉम हेयर
हेयर. आई वुड लाइक टू गो फ्रॉम हेयर. आई वुड लाइक टू गो फ्रॉम हेयर. मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना नहीं चाहूंगा. यहां पर गाइस नहीं चाहूंगा तो इसमें आपकी जो इच्छा है वो क्या है? नहीं करने की चाह है. ओके, करने की इच्छा नहीं है तो इसमें आपको वुडंट लाइक टू का यूज करना है, नहीं की बात होगी तो. ओके, तो क्या हो जाएगा? आई वुड, तो वुडंट हो जाएगा. आई वुडंट लाइक टू ऑनलाइन शॉपिंग, शॉप ऑनलाइन. आई वुडंट लाइक टू शॉप ऑनलाइन. देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं बर्तन धोना नहीं चाहूंगा. I wouldn't like to wash. एन ऑब्जेक्ट क्या है? बर्तन, utensils. I wouldn't like to wash utensils. गाइज यहां पर आप utensils के बदले में dishes का भी यूज कर सकते हैं. dishes. Utensils means भी होता है बर्तन and dishes means भी होता है बर्तन. ओके, आपको जो इजी लगे इन दोनों वर्ड में से उसको आप यूज कर सकते हैं. जैसे यदि आप डिशेज बोलना चाहेंगे तो कैसे बोलेंगे? I wouldn't like to wash dishes. ओके, मैं आपके साथ काम नहीं करना चाहूंगा. I wouldn't like to. उसके बाद क्या है? काम, वर्क. आपके साथ, विद यू. I wouldn't like to work with you. मैं आपसे शादी करना चाहूंगा. I would like to marry you. I would like to marry you. Now guys, your turn. हमेशा की भांति अब आपकी बारी है. मैं आप सभी को दो होमवर्क दे रही हूं जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आपको सेंड करना है. फर्स्ट वन, मैं चाइनीज भाषा सीखना नहीं चाहूंगी. एंड नेक्स्ट वन, मैं आपकी वीडियो को शेयर करना चाहूंगा. दीज टू सेंटेंसेस आर फॉर यू, सो प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स. गाइस, मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिली हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा. यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.